अच्छा स्वामी जी, देखिए योगाभ्यास आपने करवा दिया लंग्स मजबूत करने के लिए, और बहुत सारी बातें भी आपने बताई जिससे लंग्स को सेहतमंद रखा जा सकता है, लेकिन इनके अलावा लंग्स को पावरफुल बनाने के लिए, लंग्स को मजबूत रखने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घर के किचन में मौजूद हैं जिससे हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं? आप इसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। शुगर, डायरिया, हाई बीपी, गलत खान पान से बड़ी मुश्किल, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, कब्ज का क्या है उपचार? योग के साथ शाकाहारी डाइट आसान करेगी रोगों से फाइट। वक्त आपको पहले से पता है 7:56। तो स्वामी जी आज क्या खास है? ये जो पहले हम काढ़ा बताते थे ना, वो खाली कोरोना के लिए नहीं है। ये जो तुलसी है, ये तुलसी, ये हल्दी, ये अदरक, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर आंगन में ही है, ये तुलसी, हल्दी, अदरक, ये हमने पहले जो बताई थी, इसको कूट करके और इसमें थोड़ा सा पीपल पीपला मूल चित्रक सव्य सूटी, इसको पंचकोल कहते हैं, पंचकोल का काढ़ा पी लें, स्वसारी का काढ़ा पी लें, अथवा जो है सौंठ, पीपल, काली मिर्च, ये हल्दी अदरक के साथ, तुलसी के साथ डाल करके इसी का काढ़ा पी लें। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये कफ कोल्ड के लिए इसका काढ़ा जो पियेंगे। और अब तो लोगों ने घरों में ही ये सब चीज़ें लगा ली हैं, अब तो घरों में लोग पपीता भी लगाने लग गए हैं। तो ये सारी, ये पपीता भी, कच्चे पपीते की सब्जी और पका हुआ पपीता कफ की औषधि है। कफ हो जाता है तो हम सारी चीज़ें बंद करा के पपीते की सब्जी, पका हुआ पपीता खिलाते हैं, थोड़ा अनार खिलाते हैं और खजूर कल्प कराते हैं, खजूर और ये चना बस। और जिसके पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो तो गुड़ वाला ये च्यवनप्राश, या शुगर हो तो ये च्यवनप्रभा खा ले। इतना जो कर लेंगे फिर उनको कफ कोल्ड कतई नहीं होगा। तो आज के पाक शास्त्र में इतना ही। अब उपचार के बाद समाचारों की आपके पास भरमार है, आप फटाफट 50 सुनाइए। कल 7:56 पर फिर मिलेंगे। अब किसी को सांसों का संकट नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।